पढ़ा था कि बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड, याद रखना एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर हम इंक्लूड करेंगे बजट में, ठीक है। तो बजट में दो मेन कॉम्पोनेंट क्या हो गए, रेवेन्यू हो गई, एक साइड रेवेन्यू मीन्स इनकम आएगी और दूसरी साइड गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर्स आएगी, ठीक है। सो इट इज द स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। तो बजट के कॉम्पोनेंट कौन से हो गए, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू पार्ट को हम एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं कि रेवेन्यू होती क्या है, ठीक है। रेवेन्यूज आर द मनी रिसिप्ट, रेवेन्यूज आर द मनी रिसिप्ट, ठीक है, ओके। तो रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यूज आर द मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की मनी रिसिप्ट, ठीक है। किसी भी सोर्स से गवर्नमेंट को जो मनी रिसीव होती है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। तो दीज आर द मॉनेटरी और द मनी रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। मनी रिसिप्ट है, क्लियर। किसी भी सोर्स से वो सोर्स हम आगे पढ़ेंगे। सो मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट आर रेवेन्यू, गवर्नमेंट की रेवेन्यू कही जाएगी। अब ये रिसिप्ट दो तरह की होती है, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, दूसरी होती है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, ये दोनों मिलकर क्या बन जाती है, रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट, एंड वो गवर्नमेंट की इनकम या रेवेन्यू बन जाती है, ठीक है। अब वो आती कहाँ कहाँ से वो हम अब डिस्कस करते हैं। तो रेवेन्यू क्या है, द मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और मनी रिसिप्ट क्या है, ये रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, दो पार्ट की रिसिप्ट होती है जो गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है, ठीक है। अलग अलग सोर्सेज से गवर्नमेंट को जो मनी की फॉर्म में रिसिप्ट होता है वो है एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट की फॉर्म में, दूसरा कैपिटल रिसिप्ट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, ध्यान से सुनना, कुछ स्पेसिफाई किए जाएंगे दो पॉइंट इसके बारे में और दो पॉइंट इसके बारे में। तो फर्स्ट कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट आर सच रिसिप्ट और मनी रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट वो मनी रिसिप्ट होती है जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं करती है और एसेट को रिड्यूस नहीं करती है। दो चीजें लेके चलेंगे, बैलेंस शीट में एसेट लाइबिलिटीज ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे की, ठीक है। तो एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो रहा होगा, राइट, है ना। तो ये कहता है, ध्यान रखना, एक चीज याद रखो, दूसरी अपने आप याद, ऑपोजिट चलेंगी। वो रिसिप्ट जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को बढ़ाती नहीं है, लाइबिलिटी नहीं बढ़ेगी तो एसेट रिड्यूस नहीं होगी, ऑपोजिट चलेगी। तो ऐसे रिसिप्ट जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ाती नहीं है और एसेट को रिड्यूस करती नहीं है, जैसे गवर्नमेंट को पैसा मिला, ठीक है, बदले में कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो गई कि बदले में आपको कुछ देना, जैसे हम क्या करते हैं कि दुकानदार को हम पैसे देते हैं, ठीक है, कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो दुकानदार को हम कुछ पे करते हैं, उसी टाइम पर उसकी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है ना। किस चीज़ की लाइबिलिटी, कि उसे हमें उतनी ही वैल्यू का कोई चीज़ देना पड़ेगा बदले में, राइट, है ना। तो उसकी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। अब हम गवर्नमेंट को कुछ अमाउंट पे करते हैं लेकिन बदले में गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं देती है, दैट मीन्स गवर्नमेंट इज नॉट लाइबल टू गिव समथिंग इन कंसिडरेशन ऑफ दिस पेमेंट। इस पेमेंट के कंसिडरेशन में गवर्नमेंट को कुछ देना नहीं पड़ता है, ठीक है। सो दैट मीन्स गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई या गवर्नमेंट की लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं हुई। ऐसी पेमेंट से ऐसी रिसिप्ट होती है टैक्स रिसिप्ट, ठीक है। गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, हम पे टैक्स लगा देती है, टैक्सेस आर डिवाइड ऑन द कॉमन पीपल और जनरल पीपल, ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस है चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ठीक है। बदले में गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं देती है, ओके, दैट मीन्स टैक्स पेयर को स्पेसिफिकली उतनी ही अमाउंट की कोई सर्विस या उतनी ही अमाउंट की कोई गुड दे, ऐसी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। वो तो गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू को पब्लिक एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च कर देती है कि सभी के लिए वो सर्विसेज देती है, रोड बना दिए, ठीक है, लाइक ब्रिजेस बना दिए, डैम्स बना दिए, तो सबको, टैक्स पेयर और नॉन टैक्स पेयर सबको फायदा होता है, वो तो पब्लिक एक्सपेंडिचर है। जो टैक्स पे कर रहे हैं, किसी ने करोड़ का टैक्स पे किया, किसी ने लाख का, किसी ने कुछ हज़ार का टैक्स पे किया, तो क्या गवर्नमेंट उनको उतनी ही फैसिलिटीज अलग से देती है कि तुम्हें इतनी मिलेगी, तुम्हें इतनी मिलेगी, तुम्हें इतनी मिलेगी, ठीक है। ऐसी कोई फैसिलिटीज कंसिडरेशन में गवर्नमेंट नहीं देती है ना टैक्स पेयर्स को। तो टैक्स जो रिसिप्ट हो गई वो कौन सी रिसिप्ट हो गई, रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि इसके बदले में क्या हुआ, कोई लाइबिलिटी। गवर्नमेंट इज नॉट लाइबल, गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड टू प्रोवाइड द सर्विस ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट और इक्विवेलेंट टू दैट अमाउंट। कोई चीज़ नहीं देती ना कोई सर्विसेज देती है तो लाइबिलिटी नहीं, लाइबल नहीं होती ना, और वो कंपलसरी पेमेंट है, गवर्नमेंट लेगी जरूर, नहीं लोगे तो केस हो जाएगा, ठीक है। तो वो कंपलसरी पेमेंट है, ऐसी पेमेंट लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती है, ओके, क्लियर। अब गवर्नमेंट कोई
दूसरा रिसिप्ट करती है, दूसरी फॉर्म में रिसिप्ट करती है, ठीक है, लाइक कुछ चार्जेस लेती है आपसे, रजिस्ट्रेशन चार्जेस किसी भी चीज़ के, तो बदले में सर्विसेज देती है ना आपको, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया या रजिस्ट्रेशन नंबर दिया, तो कोई सर्विस दिया आपको बदले में, है ना, तो वो क्या हो गया, उसके बदले गवर्नमेंट आपको वो, उसके बदले उस अमाउंट के बदले गवर्नमेंट आपको कोई सर्विस देने के लिए लायबल हो गई कि आपको उस अमाउंट के बदले कोई ना कोई सर्विस, हालांकि उसकी क्या वैल्यू है उसको मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दैट डजंट मैटर, लेकिन बदले में कोई सर्विस तो दे रही है ना, कि आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या कार्ड दे दिया या रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया कि अब आप इस नंबर के साथ ये प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, जो भी प्रैक्टिसेस, ओके, क्लियर। जीएसटी नंबर मिलता है, चार्ज लेते हैं ना उस नंबर को लेने के लिए, है ना, तो बदले में आपको क्या दी, सर्विस दी ना, कि आप इस नंबर के साथ आप एक रजिस्टर्ड ट्रेडर हो गए और आप सर्विसेज ले सकते हो, मतलब सॉरी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से लाइसेंस आप लेते हैं, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस ले रहे हैं, तो बदले में एक फीस या चार्ज लेते हैं ना, तो बदले में क्या मिला, आपको परमिशन मिल गई, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अपनी सर्विसेज दी कि आपको परमिशन दे दी कि आप टेरिटरी ऑफ इंडिया में कहीं भी ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है, आपको परमिशन मिल गई, ये तो गवर्नमेंट लायबल होगी वो सर्विस, वो कार्ड, वो सॉरी जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो देने के लिए, ओके, क्लियर। लेकिन यहाँ पे जो टैक्सेस है उसके बदले आपको कोई सर्विस नहीं मिलती, कुछ भी सर्विस नहीं मिलती कि इतने टाइम के लिए आपको ये परमिशन मिलेगी, नहीं, कोई परमिशन नहीं मिलती, कोई सर्विस नहीं मिलती है, ठीक है। तो इन सर्विस इन रिसिप्ट को हम क्या कहते हैं, दीज आर रेवेन्यू रिसिप्ट। तो दो चीज़ें याद रखेंगे हम, वो रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट होंगी जिनके बदले गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। फर्स्ट पॉइंट हमें क्या मिल गया, सच रिसिप्ट आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट विच डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डू नॉट क्रिएट, कौन सी, रेवेन्यू रिसिप्ट डू नॉट क्रिएट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती, किसकी, गवर्नमेंट की, ठीक है, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती है। सेकेंड थिंग, और कैसे जज करेंगे, और कैसे मेजर करेंगे, ये रिसिप्ट गवर्नमेंट के है, हमने कहा लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती, तो हर चीज़ ज़रूरी नहीं है लाइबिलिटी क्रिएट करे। गवर्नमेंट ने अपनी एसेट बेच दी, पब्लिक एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट की इंडस्ट्री थी, पब्लिक एंटरप्राइजेस थी, उसके शेयर बेच दिए या वो कंपनी ही बेच दी, तो क्या लाइबिलिटी क्रिएट होती है, पैसा आता है, रिसिप्ट तो है ना भाई, कंपनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बेच दी, गवर्नमेंट अपनी इंडस्ट्री, जैसे अभी कुछ पिछले कुछ महीनों पहले कोल इंडिया के कुछ शेयर्स बेचे थे, ठीक है, कुछ परसेंट लाइक 15% स्टेक होल्डिंग गवर्नमेंट ने कोल इंडिया की बेच दी थी, तो गवर्नमेंट को काफ़ी लाखों करोड़ रुपए रिसीव हुए थे, तो क्या बदले में लाइबिलिटी क्रिएट हुई, नहीं हुई ना, लेकिन क्या चला गया हाथ से, 15% शेयर चले गए ना, मालिकाना हक चला गया 15% के लिए गवर्नमेंट के पास से, रिसोर्सेज के ऊपर जो ओनरशिप थी वो 15% से कम हो गई, ओके, सो दैट मीन्स क्या कम हो गए गवर्नमेंट के, एसेट्स कम हो गए, ठीक है, है ना, जैसे गवर्नमेंट नाउ इज प्लानिंग टू सेल ऑफ द एयर इंडिया, एयर इंडिया को बेचने का सोच रही है, तो जब एयर इंडिया को बेच देगी तो एयर इंडिया का जो कंट्रोल है, एयर इंडिया से जो रेवेन्यू जनरेट होगी, प्रॉफिट होगा, वो किसके पास चला जाएगा, जो कंपनी उसको खरीदेगी, ठीक है, सो क्या हो जाएगा, एसेट्स कम हो जाएंगे, ठीक है, सो ऐसे एसेट्स जो लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती और एसेट्स को भी रिड्यूस नहीं करती, लाइबिलिटी क्रिएट ना होना मतलब क्या, लाइबिलिटी इंक्रीज ना होगी या नहीं हुई, भाई क्रिएट होने का मतलब लाइबिलिटी बढ़ गई ना, पहले कोई लाइबिलिटी नहीं थी, नाउ यू आर लाइबल फॉर दिस, ओके, आप सर्विसेज देने के लिए लाइबल हो, तो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हुई का मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, तो इसको या तो डू नॉट क्रिएट लाइबिलिटी और डू नॉट इंक्रीज लाइबिलिटी, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी तरफ ना तो ये लाइबिलिटी को इंक्रीज करती हो ना ही एसेट्स को रिड्यूस करती है, तो डू नॉट रिड्यूस एसेट और रिड्यूस एसेट ऐसी रिसिप्ट जो गवर्नमेंट के एसेट्स को घटाती नहीं है और लाइबिलिटीज को बढ़ाती नहीं है, ठीक है, वो रिसिप्ट हमारी क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट। अब टैक्सेस का हमने एग्जांपल दिया था, टैक्सेस ने लाइबिलिटी क्रिएट नहीं की ना, अब गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू हुई, टैक्सेस के रूप में पैसा मिला, क्या गवर्नमेंट को अपनी एसेट बेचनी पड़ी उसके बदले, कुछ नहीं देती ना गवर्नमेंट बदले में, कुछ नहीं देती, कुछ भी नहीं देती, ठीक है, और पैसे आ जाते हैं, ओके, तो ना तो एसेट बेचनी पड़ी और ना ही लाइबिलिटी, लाइबल हुई कोई सर्विस या गुड्स देने के लिए, कमोडिटी देने के लिए, ठीक है, तो ना तो लाइबिलिटी बढ़ी और ना ही एसेट रिड्यूस हुए, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। अब यू कैन एक्सप्लेन द मीनिंग ना, रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट विच डू नॉट क्रिएट द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड डू नॉट रिड्यूस और डिक्रीज द एसेट, ओके, वो रिसिप्ट हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट होंगी जो लाइबिलिटी बढ़ाती नहीं है और एसेट
घटाती नहीं है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल टैक्स, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू जो होती है वो हमारी क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, ठीक है, बदले में उनको लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती और ना ही एसेट क्रिएट होते हैं, क्लियर। तो इसके एग्जाम्पल में लिखते हैं टैक्स। अब टैक्सेस बहुत सारे होते हैं, कोई भी टैक्स हो सकता है, तो फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस, तो जो टैक्सेस हैं वो हमारी क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है। अब हम टैक्सेस को एक्सप्लेन करते हैं कि जो टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं वो क्या है। तो आपको गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टैक्स सिस्टम गिवन होगा, एक प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, दूसरा रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, ठीक है, है क्लियर। सो उन टैक्स सिस्टम को हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम कैपिटल रिसिप्ट के ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो टैक्सेस फर्स्ट है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, नाम से ही पता चल रहा है, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेसिव मीन ग्रोथ, इंक्रीज, है ना, ओके, क्लियर। तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का मतलब है व्हेन द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस विद द इनकम, जब टैक्स की रेट इनकम के साथ इंक्रीज हो जाती है, दैट मींस इंक्रीज इन रिलेटिव बोले तो हाई इनकम ग्रुप को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा और लो इनकम ग्रुप को कम टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट इज द प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम इज द टैक्स सिस्टम इन विच हायर टैक्स बर्डन, हायर टैक्स बर्डन ऑन हायर इनकम ग्रुप, जिनकी इनकम ज्यादा है उनके ऊपर ज्यादा टैक्स बर्डन होगा, ठीक है, एंड लोअर टैक्स बर्डन ऑन लो इनकम और लोअर इनकम ग्रुप, ठीक है, जिनकी इनकम कम है उनके ऊपर टैक्स कम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट टैक्स स्लैब्स बना दो, जैसे इंडिया में, ठीक है, इंडिया प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम फॉलो करता है, ठीक है, सो डिफरेंट टैक्स स्लैब्स बना दी जाती है, डिफरेंट डिफरेंट टैक्स रेट फिक्स की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम, ठीक है, क्लियर। जैसे मैं कहूँ इंडिया में जो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है एंड करेंट टैक्स स्लैब की बात करें तो 250 to 5 lakh तक जो हमारा है, ठीक है, तो 5% टैक्स हम लगाते हैं, देन 5 to 750, 10% हम टैक्स लगाते हैं, 750 to 2.5 lakh to 10 lakh हम 15% टैक्स लगाते हैं, ठीक है, एंड मोर देन 10 lakh to 12.5 lakh, 2.5 lakh का गैप है, उनमें 5% का है, 20%, 12.5 to 15 lakh, 25%, एंड 15 lakh से जितनी भी ज़्यादा होगी उसके ऊपर 25% टैक्स होगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, जिसकी इनकम कम है उसके ऊपर टैक्स कम लग रहा है, जिसकी इनकम ज़्यादा है उसके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी अलग तरीके से होती है, सपोज जिसकी इनकम अगर 11 lakh है तो उसके ऊपर सीधा 20% काउंट नहीं होगा, कैलकुलेट नहीं होगा, तो यहाँ से कैलकुलेट होना शुरू करेगा, पहली वो इस स्लैब में से तो होके गुजरेगा ना, तो पहले 2.5 lakh के ऊपर कितना लगेगा, 5%, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो आया, नेक्स्ट 2.5 lakh इसके ऊपर फिर 10%, दिस प्लस 10%, ओके, फिर ये जो बचा इन दोनों का ऐड करके इसके ऊपर 15%, भाई है बोलूँ इसके ऊपर कितना बन गया, 2.5 और 5 के बीच का गैप कितना है, 2.5 lakh ना, 2.5 lakh के ऊपर 5% कितना है, 12.5 to 12.5 lakh नेक्स्ट बन गया, है ना, इतना ही बना, ठीक है भाई, 2.5 lakh 25 times 25, ठीक है, 12.5 lakh बन गया। अब मेरी इनकम कितनी है, मेरी तो 11 lakh है, ठीक है, तो मेरे फर्स्ट जो 2.5 lakh है उसके ऊपर 12.5 lakh टैक्स बन गया, नेक्स्ट जो 2.5 lakh होगी पलक, नेक्स्ट जो 2.5 lakh होगी उसके ऊपर कैसे कैलकुलेट होगा, 2.5 के ऊपर 10% कितना बना, 25,000 भाई, 2.5 lakh के ऊपर 10% कितना निकलेगा, 2.5 lakh का 10% नहीं निकालना था, कितना, 25,000, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ 25,000 25,000, तो ये कितना हो गया 25,000, मेरी ये वाली इनकम में बच्चे पहले कितना था, ठीक है, अब मेरी इनकम तो 11 है ना, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, अब 7.5 से 10 के ऊपर कितना, 2.5 lakh, 2.5 lakh के ऊपर 15% कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 2.5 lakh से 15% 500, ठीक है, देन मैं कितने पहुँच गया, 10 to 12.5, मेरी इनकम कितनी है, 11 लाख, तो अब मैं कितने पे कैलकुलेट करूँगा, 1 लाख,
भाई 10 से 12.5 20% है, 10 लाख से 12.5 लाख तक इनकम है उसके 20% है। मेरी इनकम कितनी है 11 लाख, तो मैं 1 लाख पे काउंट करूँ ना, आगे तो मेरी इनकम है ही नहीं 1 लाख के ऊपर, मैं 20% कैलकुलेट करूँगा कितना आएगा 1 लाख के ऊपर 20%, 20,000 ठीक है। अब मुझे टोटल कितना टैक्स पे करना है इन सबको ऐड करके, ये मेरा टोटल टैक्स ठीक है। क्लियर, जितना भी है मत करो, ज़रूरत नहीं है, समझ के समझना था कि उस तरीके से नहीं आएगा ठीक है। तो ये आएगा कि जो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे टैक्स रेट इंक्रीज होती है। तो दैट बेसिकली हमें प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या कहता है, हाई टैक्स बर्डन ऑन हायर इनकम ग्रुप एंड लोअर टैक्स बर्डन ऑन लोअर इनकम ग्रुप ठीक है। क्लियर, ये था प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। क्लियर, नेक्स्ट आता है इसका ऑपोजिट है रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। अब सिंपल सी बात है, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम उल्टा है, लोअर इनकम ग्रुप के ऊपर ज़्यादा बर्डन होता है, टैक्स बर्डन ज़्यादा होता है एंड जो हायर इनकम ग्रुप है उनके ऊपर टैक्स बर्डन कम होता है। ऐसा कैसे होता है, टैक्स रेट नहीं घटा देते वो, क्या करते हैं सबके लिए सेम टैक्स रेट है ठीक है। सपोज मैं कहूँ 10% इज द रेट ऑफ टैक्स ठीक है। अब जिसकी इनकम 5 लाख है उसको भी 10% पे कर रहे हैं, और जिसकी इनकम 50 लाख है उसको भी टैक्स 10% ही पे करना है। अब देखा जाए तो टैक्स अमाउंट तो बढ़ जाएगी भाई, 10% 5 लाख का तो कितना आ जाएगा 50,000 ठीक है, 50 लाख का कितना आ जाएगा 5 लाख ठीक है। अब देखा जाए तो भाई एक तो 5 लाख टैक्स पे कर रहा है, एक 50,000 टैक्स पे कर रहा है, तो हम कह रहे हैं कि ये ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है ठीक है। लेकिन टैक्स बर्डन की बात हो रही, हमने ये नहीं कहा टैक्स अमाउंट, हमने कहा हायर टैक्स बर्डन और लोअर इनकम ग्रुप एंड लोअर टैक्स बर्डन और हायर इनकम ग्रुप। ये टैक्स बर्डन हम कैसे निकालते हैं, टैक्स बर्डन होता है द लेफ्ट ओवर अमाउंट विद द टैक्स पेयर आफ्टर पेइंग द टैक्स। टैक्स पे करने के बाद टैक्स पेयर के पास जो अमाउंट बच जाता है उनका हम डिफरेंस सॉरी उनको हम कंपेयर करते हैं, इसके पास कितना बच जाएगा 50,000 देने के बाद 4.5 लाख ठीक है, और इसके पास कितना बच जाएगा 45 लाख। आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इसके पास 4.5 लाख बचा और इसके पास 45 लाख बचा 5 लाख टैक्स पे करने के बाद भी ठीक है। पे दोनों ने सेम रेट से किया, अमाउंट दोनों की अलग अलग थी ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके पास अब हम अगर निकाल लें ठीक है, ये जो गैप है 4.5 लाख और 50,000 का ठीक है, इसने 50,000 पे कर दिया ठीक है, और इसके पास बचा 4.5 लाख, यहाँ पे इसके पास अभी भी 45 लाख बचा है ठीक है। तो दैट मीन्स इसके पास से 5 लाख गया, इसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके लिए वो 50,000 अमाउंट बहुत बड़ी पूरे साल का है ये ठीक है, इसके लिए 50,000 अमाउंट बहुत बड़ी हो सकती है पूरे साल के लिए। सिर्फ कितना बचा 4.5, एक महीने के लिए नहीं बचा 4.5 लाख, पूरे साल में खर्च करने के लिए 4.5 लाख बचा है, तो इसके लिए अमाउंट बहुत कम होगी ना 4.5 लाख पूरे साल के लिए। तो इसके पास 45 लाख है, तो दोनों को कंपेयर करें तो दोनों ने सेम रेट से पे किया है, सेम रेट से पे किया है, अमाउंट बस देखो ये भूल जाओ, रेट देखो और डिफरेंस देखो ठीक है। तो सेम रेट से पे किया है तो इसके ऊपर तो इसको भी अपने इनकम का 10% ही पे करना पड़ा, इसको भी 10% ही पे करना पड़ा, तो दैट मीन्स अगर रेट देखें तो इसको ज़्यादा बर्डन उठाना पड़ा ना, अपनी इनकम का 10% इसको पे करना, अपनी इनकम का 10% इसको पे करना। बोलो ओके, तो दिस इज रिग्रेसिव। क्लियर, सिंपल सी बात है, याद रखो सेम टैक्स रेट फॉर लोअर इनकम ग्रुप एंड अपर इनकम ग्रुप, हाई इनकम सबके लिए सेम टैक्स रेट है। तो वहाँ पे लोअर इनकम ग्रुप को ज़्यादा बर्डन उठाना पड़ेगा और अपर इनकम या हायर इनकम ग्रुप को कम बर्डन, दैट इज द रिग्रेसिव। सिंपल बर्डन हम चेक करेंगे ठीक है, ये दो करेंगे टैक्स रेट, हमें सिर्फ इनका मीनिंग पढ़ना है, इसका ज़्यादा कुछ ना एग्जाम्पल देखते हैं ना कुछ और है, सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टैक्सेज है वैल्यू एडेड टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स VAT ठीक है, एंड इसमें स्पेसिफिक टैक्स VAT वैल्यू एडेड टैक्स पढ़ा होगा, सिंपली क्या कहता है वैल्यू एडेड टैक्स, जितना वैल्यू एडिशन हुआ है प्रोडक्शन के हर स्टेज पे, जितना वैल्यू एडिशन हुआ है प्रोडक्शन के हर स्टेज पे, हमें ये तो पता है ना प्रोडक्शन की डिफरेंट स्टेजेस होती है, देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ कमोडिटी और अ फिनिश्ड गुड और अ कमोडिटी पासिस थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन टू रीच द अल्टीमेट कंज्यूमर। अल्टीमेट कंज्यूमर के पास पहुंचने के लिए एक कमोडिटी वेरियस स्टेजेस पे से गो थ्रू होती है, पास थ्रू होती है, हमें पता है रॉ मटेरियल सेमी फिनिश और इंटरमीडिएट एंड फिनिश्ड है ना, ये तो पता है। सो हर स्टेप पे प्रोडक्शन के हर स्टेप पे वैल्यू एडिशन होता है,
भाई किसी ने रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया होगा तो उसने वैल्यू ऐड की होगी, फिर रॉ मटेरियल को प्रोसेस आउट करके सेमी फिनिश या इंटरमीडिएट में कन्वर्ट किया होगा तो वैल्यू एडिशन हुआ, उसकी वैल्यू चेंज हो गई होगी ना, तो वही वैल्यू एडिशन है। अब इंटरमीडिएट से फाइनल या फिनिश गुड बन गई या फाइनल गुड बन गई तो भी वैल्यू बढ़ गई होगी, तो वैल्यू एडिशन ही हुआ, ठीक है। वैल्यू एडिशन टैक्स क्या कहता है, प्रोडक्शन के हर स्टेज पे जितना वैल्यू एडिशन हुआ है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। ओके, तो वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स लगता है रो से फिनिश पे, इंटरमीडिएट पे गई एंड इंटरमीडिएट से फिनिश स्टेज में गई, तो जितना जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ है हर वैल्यू एडिशन पे एक बार यहाँ पे टैक्स लगेगा, एक बार यहाँ पे टैक्स लगेगा, एक बार यहाँ पे टैक्स लगेगा, ठीक है। मल्टीपल लेयर या मल्टीपल स्टेजेस में टैक्स लगता है, ठीक है, जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। जीएसटी के आने से पहले हमारे पास वैल्यू एडिड टैक्स हुआ करता था, वैल्यू एडिड टैक्स को जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया है। ये सारी काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हुआ करता था, मल्टीपल लेयर्स में लगता था, यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा, ठीक है। वैल्यू एडिड पे जितना वैल्यू एड हुआ उस पर ही टैक्स लगेगा, जैसे यहाँ पे 50 रुपये की चीज़ बनी वो रो फॉर्म में तो इस पर लगेगा, फिर 50 से वो 80 में बेची गई इंटरमीडिएट या सेमी फिनिश में तो कितने की वैल्यू एडिशन हुआ 30 का, फिर 30 पे लगेगा, फिर वो 100 रुपये में फाइनल बेची गई तो 20 पे लगेगा, ठीक है। 80 पे नहीं 20 और 30 पे लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हर स्टेज पे जितना वैल्यू एड हुआ है उस पर हम काउंट करते हैं, ये दैट इज अ वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिड टैक्स। ओके, जीएसटी से पहले हुआ करता है। स्पेसिफिक टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स का मतलब है वो टैक्स जो स्पेसिफिक है टू द साइज क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, वो टैक्स जो कि स्पेसिफिक होगा विशिष्ट होगा एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी साइज या वैल्यू पे, ठीक है। मतलब उसकी साइज क्वांटिटी या वैल्यू के अकॉर्डिंग हम टैक्स लगाते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा जीएसटी है वो स्पेसिफिक टैक्स है, ठीक है, वो उस कमोडिटी के क्वांटिटी या उस कमोडिटी की अमाउंट या यू कह सकते हो वैल्यू उसके अकॉर्डिंग चार्ज।